सलाम नमस्ते सस्री अकाल, केम छो तुम्ही? मजा माने कशे आहत तुम्ही? मजेत ना? मैं शालिनी होबलेकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग को देने वाली हूँ निबंध लेखन। मराठी निबंध लेखन है साक्षरता काळाची गरज। साक्षरता यानी एजुकेशन लिटरेसी। लिटरेसी आजकल के जमाने में बहुत जरूरी है। तो क्या है ये निबंध? आप लोगों को बहुत ही इजी और सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है। मराठी निबंध लेखन साक्षरता काळाची गरज। साक्षरता यानी लिटरेसी। तो आजकल के जमाने में एजुकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसके ऊपर ये निबंध है। साक्षरता आपल्या समाजाच्या आणि देशाच्या विकासासाठी खूप आवश्यक आहे। हमारे सोसाइटी के लिए और हमारे कंट्री के प्रोग्रेस के लिए साक्षरता यानी एजुकेशन लिटरेसी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जरूरी है। साक्षरतेमुळे एखाद्या व्यक्तीचे सामाजिक व वैयक्तिक विकास होण्यास खूप मदत होते। अगर लिटरेट होगा इंसान तो सोसाइटी में और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में उसका बहुत ही उसको फायदा होता है। साक्षर असलेल्या व्यक्तीला लिहिण्यासाठी, वाचण्यासाठी व कोणत्याही विषयावर बोलण्यासाठी कोणाच्याही मदतीची गरज लागत नाही। साक्षर असलेल्या व्यक्तीला चांगली नोकरी मिळते, अच्छी जॉब मिलती है उन्हें और उन्हें किसी के भी हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती किसी भी फील्ड में। वह तो आपल्या जीवनात नेहमी सुखी रहतो और वो बहुत हैप्पीली अपना लाइफ जी सकता है। साक्षर व्यक्तीला त्याच्या जबाबदारीबद्दल व त्याच्या कर्तव्याबद्दल चांगली माहिती असते। जो लोग एजुकेटेड होते हैं तो उन लोगों को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बहुत अच्छी से जानकारी रहती है। त्यामुळे तो समाजामध्ये बदल आणण्यासाठी मदत करू शकतो आणि समाजात सुधारणा आणू शकतो। तो इस कारण वो क्या कर सकते हैं, सोसाइटी में चेंजेस ला सकते हैं, चेंजेस लाने में हेल्प कर सकते हैं और समाज को डेवलप करने के लिए भी वो लोग हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, ये समाजात है, ये ज है, ये न नहीं है। ओके, साक्षरतेची सुरुवात घरापासून करावी, कारण घर हीच प्रत्येक बाळाची पहिली आस असते। तो एज्युकेशन सबसे पहले घर से सुरुवात होती है। आजच्या काळात गरिबीमुळे काही लोक आपल्या मुलांना शिकवू शकत नाही। मुलांना साक्षर करण्याची जबाबदारी व खर्च हे आई वडिलांच्या हातात असते, पण साक्षर होणे हे मुलांचे कर्तव्य आहे। अभी माँ बाप तो किसी भी तरह मुश्किल से बच्चों को स्कूल में डाल देते हैं, लेकिन एजुकेशन हासिल करना ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बच्चों की। आपल्या भारत देशात 73.8% ची संख्या साक्षर आहे, यानी 73.8% लोग एजुकेटेड है। भारत पुढच्या 20 वर्षांत साक्षरतेमध्ये अग्रेसर होईल, कारण भारतात सध्या लहान मुलांची संख्या जास्त आहे आणि कमावणारे तरुण त्या मानाने कमी आहेत। अभी जो बच्चे हैं हमारे देश में सबसे ज़्यादा है, इसके लिए अगले 20 इयर्स में अपने देश में कंप्लीट लिटरेसी हो जाएगा। 97.5% साक्षरता असणाऱ्या सिंगापूर या देशात तरुण पिढीमुळे साक्षरता आहे। सिंगापूर में 97.5% एजुकेटेड लोग रहते हैं। आशा है कि लवकरच भारत देश पूर्णपणे साक्षर होईल आणि साक्षरतेसाठी जगात पहिल्या क्रमांकावर ओळखला जाईल। ऐसे हम लोग होप करते हैं कि अपना जो इंडिया है वो भी बहुत ही जल्दी एक लिटरेट देश कहलाएगा। 100% लिटरेसी आएगी हमारे देश में और पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक पर हमारा इंडिया होगा। तो इस तरह से ये निबंध है जो मैंने आप लोगों को बहुत ही शॉर्ट, स्वीट एंड सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है। ठीक है, और इसका मैं फ़ोटो भी आपको देने वाली हूँ और आप लोग लिख कर निकालिएगा ये निबंध 2-3 बार। ओके, एनीवेज एनी हाउ, अगर आप लोग को लिटरेसी के बारे में निबंध आएगा तो इसमें के जो वर्डिंग्स है वो आप लोगों को फुल हेल्प करेंगे निबंध लेखन में। ओके, चलो फिर, अभी स्टे होम स्टे सेफ, घर में ही बैठे अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अगर आज आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अब भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन टैप करना मत भूलिएगा,
क्योंकि जो मेरे अगले वीडियोस हैं आप लोगों के लेसन्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और लाइक कीजिए मेरे वीडियोस को, लाइक नहीं करते आप लोग देखिए फिर मैं नाराज हो जाऊंगी आप लोगों से, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। अगर कोई डाउट नहीं है तो एक थैंक्स तो मेरे लिए बनता ही है ना। तो चलो फिर अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और जो मैंने पत्र लेखन, निबंध लेखन, कुछ व्याकरण भी डाला है, बेसिक मराठी और हिंदी किस तरह से आपको लिखना चाहिए, जिनका हिंदी और मराठी कमज़ोर है उन बच्चों के लिए मैंने अपलोड किया है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियोस देखिए, ओके। चलो फिर मिलते हैं बहुत जल्दी ही अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।